तो दोस्तों ये है गैलेक्सी A50 और Realme 5 Pro के बीच कैमरा कंपैरिजन। प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों ही डिवाइसेज में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन आप में से कई सारे यूजर्स ये जानने के लिए बेकरार थे कि क्या Realme 5 Pro का कैमरा A50 को बीट कर सकता है या फिर प्राइस ज़्यादा होने की वजह से A50 का कैमरा बेटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो Realme 5 Pro में आपको मिलता है रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.8, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही एक मैक्रो लेंस। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का आपको यहां मिलता है फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है 2.0। वहीं गैलेक्सी A50 की बात करें तो यहां पर मिलता है रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा 25 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.7, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, इसके अलावा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप अल्ट्रा वाइड फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। Realme 5 Pro में कलर टोन एनहेंस करने के लिए आपको क्रोमा बूस्ट भी दिया गया है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको AI फंक्शंस मिल जाते हैं और ये फंक्शन Realme 5 Pro में सेटिंग्स के अंदर मिलेगा और Galaxy A50 में सीन ऑप्टिमाइजर के नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेज में आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है रियर और फ्रंट दोनों के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो गैलेक्सी A50 से 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन वहीं Realme 5 Pro में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है और 60 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। गैलेक्सी A50 से आप अल्ट्रा वाइड वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा वाइड वीडियो का ऑप्शन आपको Realme 5 Pro में नहीं मिलेगा। नाइट में बेटर फोटोग्राफी के लिए दोनों ही डिवाइसेज में नाइट मोड दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेज में फास्ट मोशन और स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिलता है। गैलेक्सी A50 में आपको 240 FPS पर स्लो मोशन और 480 FPS पर सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है। वहीं Realme 5 Pro में 240 FPS के साथ साथ 960 FPS का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा चौथा कैमरा होने की वजह से आपको Realme 5 Pro में अल्ट्रा मैक्रो शॉट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल यूजलेस लगा। तो चलिए चलते हैं दोनों ही डिवाइसेज के कैमरा परफॉर्मेंस की ओर। कैमरा परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो ये है दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से ऑटो मोड पर डे लाइट में कैप्चर किए गए फोटोज़। और ऑटो मोड पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही डिवाइसेस के 12-12 मेगापिक्सल के फोटोज़ हैं। और यहाँ सबसे पहले बात करें अगर कलर टोन की, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको कमाल की कलर टोन देखने को मिलती है, लेकिन जब दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो अगर Realme 5 Pro में आप क्रोमा बूस्ट ऑफ करके फोटोज़ लेते हो तो उस कंडीशन में गैलेक्सी A50 के पिक्चर्स आपको ज़्यादा अमेजिंग नजर आएंगे एज कम्पेयर टू Realme 5 Pro। लेकिन Realme की तरफ से आपको वहाँ पर क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आप कलर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्रोमा बूस्ट ऑन करने के बाद कलर्स बूस्ट कर सकते हो और उस कंडीशन में Realme 5 Pro से भी आपको एकदम बेहतर फोटो मिलेगी, हालांकि उस कंडीशन में आपको नेचुरल कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें अगर डिटेलिंग की, तो ऑटो मोड पर दोनों ही डिवाइसेस के पिक्चर्स में डिटेलिंग सेम देखने को मिली है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस के पिक्चर्स में आपको एक अननेसेसरी येलो टोन शो हो रही होगी, वो व्हाइट बैलेंस का इशू है, वो दोनों ही डिवाइसेस के पिक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ज्यादातर कंडीशन में A50 ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये इशू केवल आपको दोपहर में ही देखने को मिलेगा। सुबह शाम अगर आप फोटोज कैप्चर करते हो तो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और ये दोनों में ही इसके लिए ये दो फोटोज हैं, जैसे कि इस फोटो में गैलेक्सी A50 में व्हाइट बैलेंस का इशू है, Realme 5 Pro ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस फोटो में Realme 5 Pro में अननेसेसरी येलो टोन शो हो रही है, लेकिन गैलेक्सी A50 ने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी का मैक्रो शॉट में दोनों ही एकदम अमेजिंग लगे और डायनेमिक रेंज भी दोनों की एकदम बढ़िया थी। आउटडोर में मैंने फोटोज कैप्चर की, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपोजर लेवल एकदम बैलेंस देखने को मिला। बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के हाई रेजोल्यूशन की फोटोज़ की, यानी कि Realme 5 Pro के 48 मेगापिक्सल और Galaxy A50 के 25 मेगापिक्सल की। और सबसे पहले बात करें डिटेलिंग की, तो कुछ ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको कुछ खास डिफरेंस नज़र आ रहा है? मतलब एक तरफ है 48 मेगापिक्सल, दूसरी तरफ है 25 मेगापिक्सल और कंपैरिजन हो रहा है केवल डिटेलिंग का। 48 मेगापिक्सल का जो यहाँ कैमरा दिया गया है वो स्पेशली है डिस्टेंस फोटोग्राफी के लिए, जिससे आपको डिस्टेंस फोटोग्राफी की अच्छी क्वालिटी की फोटोज मिल सके। और यहाँ मुझे 25 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। तो मुझे तो यही लगता है कि यहाँ Realme ने सबको बेवकूफ बनाया, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक रेंज, एक्सपोजर लेवल, वाइट बैलेंस या फिर कलर टोन की बात ही नहीं है, बात है केवल डिटेलिंग की। और अगर 48 मेगापिक्सल में मुझे वो डिटेलिंग देखने को ना मिले तो फिर मुंह से यही निकलता है। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड फोटोज की। तो गैलेक्सी A50 से वाइडर फोटोज कैप्चर कर सकते हो एज कम्पेयर टू Realme 5 Pro, लेकिन जो दोपहर के टाइम मैंने फोटोज कैप्चर किए हैं, कुछ ये एक्सपोजर लेवल दोनों में देखने को मिलेगा। यानी कि गैलेक्सी A50 में वाइडर फोटोज तो कैप्चर होती हैं, लेकिन एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ओवर एक्सपोज्ड पिक्चर आपको मिलती है। लेकिन सेम कंडीशन में Realme 5 Pro आपको एकदम बैलेंस एक्सपोजर लेवल, एकदम बैलेंस नहीं लेकिन फिर भी A50 के कंपेरिजन बहुत अच्छा एक्सपोजर लेवल कैप्चर करके देता है।
रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पर दोनों का ही एज डिटेक्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन गैलेक्सी A50 के रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में शुरू से ही डायनेमिक रेंज का इशू है और उस कंडीशन में आपको नेचुरल स्किन टोन देखने को नहीं मिलती, काली काली स्किन टोन देखने को मिलती है। जैसे कि इस फोटो में बैकग्राउंड पर रियलमी 5 प्रो में स्काई भी ब्लू है और स्किन टोन भी नेचुरल लग रही है, लेकिन गैलेक्सी A50 में स्किन टोन नेचुरल नहीं है और स्काई भी एकदम वाइट है। तो यहाँ तो मुझे रियलमी 5 प्रो के पोर्ट्रेट मोड के फोटो ज़्यादा अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A50। फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये हैं दोनों ही डिवाइसेस के फ्रंट कैमरे से कैप्चर की कुछ सेल्फीज जो मैंने नॉर्मल मोड पर और पोर्ट्रेट मोड पर दोनों ही तरीके से कैप्चर की हैं। अब यहाँ सबसे पहले बात करने का कलर टोन की, तो गैलेक्सी A50 की सेल्फी में आपको रेड टोन शो होगी जो कि दोपहर के टाइम और ज़्यादा नज़र आती है। इस वजह से गैलेक्सी A50 में आपको नेचुरल कलर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं बात करें रियलमी 5 प्रो की, तो आप देख ही सकते हो नेचुरल स्किन टोन लग रही है, कलर्स भी थोड़े से नेचुरल लग रहे हैं, लेकिन देखने में वो इतनी अमेजिंग नहीं लग रही हैं सेल्फी जितनी गैलेक्सी A50 की हैं। और जो फोटोज़ मैंने दोपहर में ली हैं वहाँ रियलमी 5 प्रो में डायनेमिक रेंज का इशू भी देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ काली काली स्किन टोन है, नेचुरल नहीं है, लेकिन गैलेक्सी A50 में उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेड टोन शो होती है और नेचुरल स्किन टोन आपको वहाँ भी नहीं मिलती। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको भी गैलेक्सी A50 की सेल्फी ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, क्योंकि आज के टाइम नेचुरल सेल्फी किसी को नहीं चाहिए, हालांकि शाम के टाइम जो मैंने सेल्फी ली है, अब यहाँ आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी सेल्फी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। नेचुरल सेल्फी चाहिए तो रियलमी 5 प्रो और कमाल की सेल्फी चाहिए तो A50। लो लाइट इंडोर फोटोग्राफी की बात करें तो अगर थोड़ी सी अच्छी लाइट है आपके पास उस कंडीशन में, तो आपको गैलेक्सी A50 से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने यहाँ देखा। और इस कंडीशन में अगर आप नाइट मोड अप्लाई कर देते हो तो भी गैलेक्सी A50 अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 5 प्रो। लेकिन जब लाइट हो जाती है बहुत बहुत ज़्यादा कम, उस कंडीशन में आपको रियलमी 5 प्रो से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और नाइट मोड अप्लाई करने के बाद भी रियलमी 5 प्रो यहाँ गैलेक्सी A50 से बेहतर है। हालांकि रियलमी 5 प्रो का जो नाइट मोड है वहाँ पर आपको नॉइज़ भी ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A50, लेकिन जहाँ बिल्कुल अंधेरा है उस कंडीशन में नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा होने के बाद अगर ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो फिर रियलमी 5 प्रो का नाइट मोड ज़्यादा बेहतर है गैलेक्सी A50 के कंपेरिजन में। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियलमी 5 प्रो से आप 60fps पर फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K वीडियो का भी सपोर्ट मिलता है। वहीं गैलेक्सी A50 की बात करें तो केवल 30fps पर आप फुल HD तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये दोनों ही डिवाइसेज के रेयर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक फुल HD का वीडियो सैंपल है। सबसे पहले बात करें अगर कलर टोन की, तो भाई वो आपको रियलमी 5 प्रो में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A50। हालांकि जो वीडियो है वो दोपहर में रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ अननेसेसरी येलो टोन शो हो रही है गैलेक्सी A50 के वीडियो में, वो है वाइट बैलेंस का इशू। लेकिन इसे हटा भी दें तो भी सुबह शाम की कंडीशन में भी रियलमी 5 प्रो से आपको ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे वीडियोस के अंदर एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A50। इसके अलावा बात करें अगर डिटेलिंग की, तो उस कंडीशन में भी रियलमी 5 प्रो मुझे गैलेक्सी A50 से ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वहाँ दोनों ही मुझे लगभग सेम देखने को मिले। हालांकि गैलेक्सी A50 में आपको सुपर स्टडी मोड भी दिया गया है स्टेबलाइज वीडियो के लिए, लेकिन उसका कंपैरिजन मैंने आगे किया है। नॉर्मल मोड पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ दोनों का स्टेबलाइजेशन लगभग सेम है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें वीडियोज़ के लिए, तो भाई मैं रियलमी 5 प्रो की तरफ जाऊँगा यहाँ पर। यह है सुपर स्टडी मोड का कंपैरिजन, यानी कि गैलेक्सी A50 में मैंने यहाँ सुपर स्टडी मोड ऑन करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ अगर कंपेयर करें दोनों को आपस में, तो गैलेक्सी A50 में आपको सुपर स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलेगा और स्टेबलाइजेशन यहाँ इस कंडीशन में गैलेक्सी A50 के वीडियो का बहुत बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 5 प्रो। लेकिन अगर डिटेलिंग की बात करें तो इस कंडीशन में डिटेलिंग आपकी हो जाती है बिल्कुल बेकार, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। मतलब मैनुअली आप स्टडी मोड ऑन करने के बाद फोकस भी नहीं कर सकते, तो डिटेलिंग आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी इस कंडीशन में। अब यहाँ सुपर स्लो मोशन में भी भाई रियलमी 5 प्रो का काम ऐसा लगा जैसे रियलमी ने फिर से आपको बेवकूफ़ बनाया। मतलब 960fps का स्लो मोशन और परफॉर्मेंस देखिए। और ये है एक नॉर्मल स्लो मोशन वीडियो, यानी कि गैलेक्सी A50 से स्लो मोशन पर रिकॉर्ड किया गया वीडियो और रियलमी 5 प्रो से 240fps पर। और यहाँ भाई दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, दोनों से ही आपको कमाल का वीडियो मिलता है। हालांकि गैलेक्सी A50 से अगर आप खेलते हो तो कभी कभार आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यही था मेरा गैलेक्सी A50 और रियलमी 5 प्रो के बीच कैमरा कंपैरिजन। सारी चीज़ें मतलब वन बाय वन मैंने आपको बता दिया कि इस कंडीशन में गैलेक्सी A50 बेहतर है, किस कंडीशन में है रियलमी 5 प्रो बेहतर। तो अब यहाँ से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस फ़ोन का कैमरा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।